दोस्तों बढ़िया एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लैटे, मोका वगैरह पीने के लिए या फिर कोल्ड कॉफी ऊपर वनीला आइसक्रीम या फिर बटर स्कॉच वगैरह डालकर पीने के लिए अब आपको मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बढ़िया कैपेचिनो, लैटे, मोका वगैरह आप अपने घर पर अपने किचन में खुद बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि आपको 9 से 10 हजार रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। दोस्तों एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन आपको 4 से 5 हजार रुपए की रेंज में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें आपको 3-4 या फिर मैक्स टू मैक्स 5 बार का प्रेशर मिलता है। लेकिन जो कॉफी मेकिंग मशीन्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, उन सभी में आपको 15 से 20 बार तक का प्रेशर मिलेगा और सिर्फ आपको 9 से 10 हजार रुपए में ये कॉफी मेकिंग मशीन्स मिल जाएंगे, जिनसे आप यकीनन मार्केट से भी बहुत बढ़िया कॉफी खुद से अपने घर पे बना पाएंगे। और दोस्तों ये सभी कॉफी मेकिंग मशीन्स जो भी मैं आज डिस्कस करूंगा, इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके 3-4 या फिर 5 बार वाले सस्ते वाले कॉफी मेकिंग मशीन्स हैं, एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दूंगा। आपका अगर थोड़ा बहुत बजट कम है तो आप उनको भी खरीद सकते हैं उन लिंक से। वहां पर जो आपको कॉफी बनती है वो भी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन 15 से 20 बार प्रेशर वाले जो कॉफी मेकिंग मशीन्स हैं वो जो कॉफी आपको बनाकर देंगे वो आपके यकीनन मार्केट से भी बहुत ही बढ़िया कॉफी होगी। और आप अपने घर पे चाहे कैपेचिनो हो, लैटे हो, मोका हो या फिर किसी भी टाइप की कोल्ड कॉफी, कुछ भी आप अपने घर पे जो है बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं, ये 100% गारंटी से बता रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी भी ब्रांड ने ना तो पैसे दिए हैं और ना ही कॉफी मेकिंग मशीन फ्री में दिया है रिव्यू करने के लिए या फिर उनका नाम लिस्ट करने के लिए। आप इन 5ों में से कोई भी कॉफी मेकिंग मशीन अपने लिए खरीदते हैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई जाती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको छोटा सा लाइक अगर कर देते हैं ना, तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स में नंबर 5 में जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूं, वहां पर आपको टाई देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर 2 मशीन्स हैं जो कि रियली काफी बढ़िया है और नंबर 5 स्पॉट डिजर्व करती हैं। वहां पर आ जाता है कोस्टार का एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि आपको 20 बार के प्रेशर के साथ देखने को मिल जाता है। और दूसरा आपको मिल जाता है कैफ का फोंटेना, जो आपको 19 बार के प्रेशर के साथ देखने को मिल जाता है। मैं आपको दोनों ही कॉफी मेकिंग मशीन्स के बारे में जल्दी से बता देता हूं। जो आपको कोस्टार का कॉफी मेकिंग मशीन है, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन यहां पर आपको मिल जाता है, और यहां पर जो आपको आउटर बॉडी मिलती है ये आपको प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की आउटर बॉडी मिलती है, और इसके अंदर जो बॉयलर है जहां पर आपका जो पानी गर्म होता है वो आपको एल्यूमिनियम अलॉय का देखने को मिल जाता है, तो काफी ड्यूरेबल भी है और वहां पर पानी जो है जल्दी गर्म भी होता है। ये जो कॉफी मेकिंग मशीन है लगभग 3 किलो का इसका वेट है, तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, और इसमें आपको 1450 वॉट की जो मोटर है वो लगी हुई आपको देखने को मिल जाती है। ये जो मशीन है ये 20 बार तक का प्रेशर जो है क्रिएट कर देती है, और इसमें हेल्प करती है इसमें लगी हुई मोटर, जो कि 1450 वॉट की मोटर है, जो कि आराम से 20 बार का जो प्रेशर है इसमें बनाकर दे देती है। और इससे जो आपका कॉफी से जो एरोमा एक्सट्रैक्ट होता है उससे बहुत ही बढ़िया आप कैपेचिनो, लैटे, मोका वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें जो वाटर टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है वो आपको 1 लीटर की यानी कि 1000 ml की मिलती है, और ये एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक है जो कि इस मशीन के पीछे आपको लगी हुई मिल जाती है। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना आप आराम से देख सकते हैं कि कितना पानी इसमें भरा है कितना नहीं है। इसमें आपको एक स्टीम फ्रॉथर वॉन्ड भी मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको जो वो झाग कॉफी में बनाते हैं ना, जो फ्रॉथ आप कॉफी में बनाते हैं, उसके लिए आपको दूध में झाग अलग से बनानी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक अलग से जो है ना स्टीम का आपको एक नोजल टाइप का मिलता है जिसको स्टीम वॉन्ड कहा जाता है। इस मशीन में अलग से आप इसमें हॉट कॉफी एक्सट्रैक्ट कीजिए और वो झाग वाला जो दूध है ना जब आप उसमें मिक्स करेंगे तो आपकी कॉफी भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गाढ़ी और बहुत ही अच्छी फ्रॉथी और वो झाग वाली कॉफी बनेगी। इसका जो डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट है, किचन में आप आराम से इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, वेट इसका बहुत ज्यादा नहीं है, और इसका जो यूजेज है ना वो बहुत ही सिंपल यूज है। टॉप में इसके 3 बटन लगे हुए हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 कप कॉफी चाहिए या फिर 2 कप कॉफी चाहिए। सामने आपको एक डायल भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर जो है इस मशीन के अंदर क्रिएट हुआ है। आपको इस मशीन में स्टेनलेस स्टील का रिमूवेबल फिल्टर देखने को मिल जाता है, तो आपको अलग से कोई भी फिल्टर पेपर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस मशीन के ऊपर कप वार्मर भी मिल जाता है, वहां पर आप कप को रख के कप को प्रीहीट कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं। इससे सर्दियों में आप ठंडे कप में अगर कॉफी डालते हैं गरम गरम तो कप के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो पहले से ही कप को जो है आप एडवांस में ही वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद उसमें आप कॉफी को डालिए और बहुत ही बढ़िया कैपेचिनो का आनंद आप उठा सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरी कॉफी मेकिंग मशीन है इसके साथ
टाई कर रही है कैफ का फोंटेना एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन। उसमें बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा जो मोटर की पावर है कम मिलती है, वहां पे करीब आपको 1350 वॉट की मोटर मिल जाएगी और वहां पर लेकिन आपको 20 बार तक का प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। और वहां पर आपको जो वाटर टैंक की कैपेसिटी मिलती है वो करीब करीब 1.5 लीटर की, यानी कि 1.4 लीटर टू बी एग्जैक्ट आपको वाटर टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। आपको स्टीम का जो नोजल है वहां पर भी देखने को मिल जाता है, वो नोजल वहां पर डिटैचेबल है और यहां पर भी आप जो है एक बारी में चाहे तो 2 कप ऑफ कॉफी बना सकते हैं। यहां पर भी आपको स्टेनलेस स्टील का फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि रिमूवेबल है। डिजाइन दोनों ही कॉफी मेकिंग मशीन्स का बिल्कुल सेम है। आपको दोनों में ही ऊपर वो 3 बटन मिल जाते हैं जहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 कप कॉफी चाहिए या फिर आपको 2 कप कॉफी चाहिए। और साइड में आपको एक डायल मिल जाता है जहां पर आप हॉट वाटर कॉफी या फिर हॉट स्टीम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कोस्टार का जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन है अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगा 8744 रुपीज का आज की डेट में, और अगर आप कैफ का फोंटेना खरीदना चाहते हैं तो वो आपको 9000 से लेकर 10000 रुपीज के रेंज में जो है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा है कैफ वाला, हालांकि इसकी जो मोटर है वो आपकी कोस्टार वाले से थोड़ी सी कमजोर है लेकिन कुछ खास फर्क उसमें नहीं है। लेकिन मोर और लेस दोनों कॉफी मेकिंग मशीन जो है ऑलमोस्ट एक ही टाइप की है, तो आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करने से पहले क्यों ना हम देख लें कि नंबर 4 में मैं आपके लिए कौन सी एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन लेकर आया हूं। तो दोस्तों इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स में नंबर 4 में जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है वंडरशेफ का रिजेंटा एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि आपको 19 बार के प्रेशर के साथ देखने को मिल जाता है और इसमें आप बहुत ही बढ़िया एस्प्रेसो कॉफी, कैपेचिनो, लैटे वगैरह खुद से अपने घर पर बना सकते हैं। दोस्तों इस कॉफी मेकिंग मशीन में आपको जो वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है वो 1.8 लीटर की, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। और यहां पर आपको 3.6 केजी इसका वेट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, काफी ऑप्टिमल वेट है। और ओवरऑल अगर इसका आप आउटर मटेरियल देखें तो आपको मेटालिक यानी कि स्टेनलेस स्टील का आउटर मटेरियल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो डिजाइन है वो इतना कॉम्पैक्ट तो नहीं है जितना आपको कोस्टार में या फिर आपको कैफ में देखने को मिल जा रहा था, लेकिन इसमें भी आपको 3 बटन ऊपर जो है देखने को मिल जाते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने कप की कॉफी चाहिए। और आपको बीच में एक डायल देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पर आपको जो डायल है वो आपको प्रेशर नहीं बल्कि आपका टेम्परेचर इंडिकेट करता है, यानी कि आपको कितनी हॉट कॉफी चाहिए वो भी आप इस डायल को यूज करके अपने आप से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर अपने कॉफी का टेम्परेचर आप खुद से सेट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपको इस सब को सेट करने के लिए एक नॉब भी साइड में मिल जाता है। इसमें जो पंप लगा है वो 19 बार तक का प्रेशर क्रिएट कर सकता है जिसमें आपकी कॉफी जो है वो रियली काफी बढ़िया बनने वाली है। लेकिन जिस मोटर से ये जो पंप है ये चलाया जाता है वो करीब 600 वॉट की मोटर है, तो बहुत ज्यादा हैवी मोटर नहीं है। इसके अंदर का जो बॉयलर है वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है, प्लस इसमें जो आपको फिल्टर मिलता है वो आपको पोर्टा फिल्टर मिलता है, यानी कि पोर्टेबल आपको मेटालिक फिल्टर मिलता है। वंडरशेफ के इस कॉफी मेकिंग मशीन के ऊपर भी आपको कीप वार्म प्लेट देखने को मिल जाती है, यानी कि उस प्लेट पे आप अपने कप्स को रख के उसको पहले से प्री हीट या फिर थोड़ा सा एडवांस में वार्म अप कर सकते हैं। दोस्तों वंडरशेफ के इस कॉफी मेकिंग मशीन में भी आपको स्टीम वॉन्ड या फिर स्टीम जो नोजल है वो देखने को मिल जाती है, वहां से आप हाई प्रेशर स्टीम को यूज करके अपने कॉफी में वो जो झाग है वो जो फ्रॉथ है वो क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया कॉफी अपनी एंजॉय कर सकते हैं। आपको इसका जो बेस है वो एंटी स्किड बेस देखने को मिलता है, तो ये कॉफी मेकिंग मशीन जो है काफी स्टर्डी है, कॉफी बनाते वक्त ये हिलने का जो चांस है इसमें काफी कम है, तो स्पिलेज काफी कम होगी। नीचे से जो ट्रे है आराम से निकाल के उसको आप धो भी सकते हैं, तो वो वॉशेबल है और रिमूवेबल है। और अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो वंडरशेफ यहां पर आपको 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर दे देता है। तो दोस्तों वंडरशेफ की ये वाली एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा 8499 का आज की डेट में। अभी जो है रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, आप जल्दी से जाकर ये कॉफी मेकिंग मशीन खरीद सकते हैं, आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके मशीन को खरीदने से पहले क्यों ना हम देख लें कि नंबर 3 में कौन सी एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन में नंबर 3
3 में जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हैवेल्स का कुरेटो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि आपको 15 बार के प्रेशर के साथ देखने को मिल जाता है। नंबर 3 में मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आपको ये मिल जाता है, काफी डिफरेंट टाइप का इसका डिजाइन आपको मिल जाता है। हैवेल्स का ब्रांड खुद में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी शो करता है। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको टॉप में 3 बटन देखने को मिल जाते हैं जहां से आप अपने हिसाब से कॉफी का जो है वो चूज कर सकते हैं, आपको कितने कप की कॉफी चाहिए। और आपको बीच में एक एनालॉग डायल देखने को मिल जाता है, यहां पर भी ये डायल जो है ये प्रेशर को नहीं बल्कि टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, यानी कि इसमें भी आप अपने टेम्परेचर को खुद से सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी गर्म कितनी टेम्परेचर की कॉफी जो है आपको चाहिए। और यहां पर सामने ही आपको एक डायल देखने को मिल जाता है जहां से आप प्रेशर या फिर टेम्परेचर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहां पर भी आपको रिमूवेबल टैंक देखने को मिल जाती है जिसकी कैपेसिटी 1.2 लीटर की है। इसका जो वेट है वो 4.4 केजी का है और इसमें आपको करीब 1100 वॉट की जो पावर है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें जो मोटर लगी है वो करीब 1100 वॉट की मोटर है जो कि आपके 15 बार का जो प्रेशर है वो क्रिएट करने में बहुत सक्षम है। सेफ्टी के लिए यहां पर आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन और ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन का डिवाइस देखने को मिल जाता है। और यहां पर आपको जो बॉयलर मिलता है ये बेसिकली एक एल्यूमिनियम एलॉय का बॉयलर है, तो काफी जल्दी यहां पर भी आपका जो पानी है वो हीट अप होता है और कॉफी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपको एंटी स्किड बेस आपको यहां पर भी मिल जाता है। और ओवरऑल इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का जरूर है लेकिन वो सस्ते प्लास्टिक की फीलिंग जो है वो नहीं देता है। इसमें जो आपको फिल्टर कप्स मिलते हैं वो आपको स्टेनलेस स्टील के मिलते हैं, तो इसलिए आपको यहां पर भी कोई कागज का फिल्टर वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया कप्स है जिनपे आप कॉफी को ग्राउंड करके सही तरीके से पीस कर आप उसमें डाल दीजिए, उसके बाद बस आपको इसके नोजल में उसको फिट करना है और 15 बार के प्रेशर के साथ जब पानी इसमें से गुजरता है तो बहुत ही बढ़िया इसके सारे टेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपके कप में डाल देता है। इसके अंदर भी आपको जो ड्रिप ट्रे मिलती है, यानी कि जिस ट्रे के ऊपर आप कप वगैरह रखते हैं उसको ड्रिप ट्रे बोला जाता है, वो जो ट्रे है वो रिमूवेबल है, डिटैचेबल है, आप उसको निकाल कर आराम से उसको धो सकते हैं। इस कॉफी मेकिंग मशीन में भी आप एक बारी में 2 कप कॉफी निकाल सकते हैं। और जहां तक वारंटी की बात है तो यहां पर भी ब्रांड आपको 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर दे देती है। दोस्तों हैवेल्स का कुरेटो कॉफी मेकर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा नियर अबाउट 9,833 रुपीज का आज की डेट में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इंडिया के टॉप 2 कॉफी मेकिंग मशीन्स एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स देख लेते हैं। तो इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स में नंबर 2 में जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है मॉर्फी रिचर्ड्स का एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि 20 बार के प्रेशर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और यहां पर जो मोटर है जो 20 बार का प्रेशर क्रिएट करती है वो मोटर आपको 1100 वॉट की देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो कॉफी मेकिंग मशीन है इसका जो आउटर बॉडी है ये स्टेनलेस स्टील का है, इसका जो इनर बॉयलर है वो एल्यूमिनियम का एलॉय का इनर बॉयलर है। और यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको नियर अबाउट 3 kg का इसका वेट देखने को मिलता है, तो काफी हल्का कॉफी मेकिंग मशीन है। इसमें आपको ऊपर 4 बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली पुश बटन है, और यहां से आप अपने नंबर ऑफ कॉफी कप्स डिसाइड कर सकते हैं, अपना स्टीम वगैरह का प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं या फिर मशीन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस मशीन में आपको कोई भी एनालॉग डायल प्रेशर को बताने के लिए या फिर टेम्परेचर को बताने के लिए नहीं मिलता, तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा कॉन्स मुझे इसमें लगता है, क्योंकि एक कॉफी मेकिंग मशीन में एक प्रेशर इंडिकेटर या फिर एक टेम्परेचर इंडिकेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से कॉफी को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस मशीन में भी आपको साइड में एक नोजल मिल जाती है जिसमें से आपको हाई प्रेशर स्टीम निकलता हुआ देखने को मिल सकता है जिससे आप अपने फ्रॉथिंग या फिर झाग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपनी कॉफी में। और इसमें जो आपको ड्रिप ट्रे देखने को मिलती है वो भी रिमूवेबल है, वॉशेबल है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। मॉर्फी रिचर्ड्स के इस मशीन में जो आपको वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है वो करीब 1.2 लीटर की मिलती है। और अगर वारंटी की बात की जाए तो यहां पर आपको ब्रांड 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर दे देता है। मॉर्फी रिचर्ड्स के इस कॉफी मेकिंग मशीन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा 8,980 रुपीज का, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उस लिंक पे क्लिक करके इस मशीन को खरीदने से पहले क्यों ना हम देख लें कि इंडिया के टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स में नंबर 1 पे कौन सा कॉफी मेकिंग मशीन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो नंबर 1 पे जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है अगारो का इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि 15 बार के प्रेशर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अगारो का ये कॉफी मेकिंग मशीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इस कॉफी मेकिंग मशीन ने अपने आप को प्रूव किया है, लोगों के बीच काफी ज्यादा ये पॉपुलर है और ये मशीन आपको 15 बार के प्रेशर के साथ देखने को मिल जाती है। यहां पर भी आप
आपको सामने एक एनालॉग डायल देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपने टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितनी गर्म कॉफी चाहिए, यानी कि कॉफी कितने टेम्परेचर पे चाहिए। बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट इसमें आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। ये जो कॉफी मेकिंग मशीन है ये आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिलती है और इसका वेट आपको नियर अबाउट 3.5 kg का आपको इसमें वेट देखने को मिलता है। और इसमें जो मोटर है जो कि 15 बार का प्रेशर क्रिएट करती है वो है 1100 वॉट की मोटर। तो ये मशीन आपके 1100 वॉट का जो है पावर कंज्यूम करने वाली है। 15 बार का प्रेशर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपके कॉफी में से सारे एरोमा को बहुत ही बढ़िया तरीके से खींच कर ये कैपेचिनो लैटे वगैरह आपकी बहुत बढ़िया बना सकता है। और यहाँ पर भी आपको एक हाई प्रेशर स्टीम के लिए एक नोजल देखने को मिल जाता है, जिस नोजल से आप अपने कॉफी में जो फ्रॉथ है जो झाग है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिमूवेबल डिटैचेबल ड्रिप ट्रे देखने को मिल जाती है, जिसको आप रिमूव करके धो भी सकते हैं और एक बारी में यहाँ पर आप 2 कप कॉफी जो है बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और काफी सिंपलिस्टिक इसका डिजाइन है। आपको ऊपर 3 बटन्स देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली पुश बटन्स हैं, जहां से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ कप्स या फिर आप स्टीम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको एक एनालॉग डायल भी देखने को मिलेगा, जहां से आप अपने टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर की कॉफी आपको चाहिए। और साइड में आपको एक नॉब देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपने कॉफी के प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर भी आपको जो फिल्टर मिलता है वो स्टेनलेस स्टील का फिल्टर है। दोस्तों अगारो इंपीरियल एक्सप्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन में आपको जो वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है वो आपको 1.5 लीटर की मिल जाती है, जो कि काफी है आपके 4 कप कॉफी बनाने के लिए। और इसमें आपको अगर वारंटी की बात की जाए तो ब्रांड आपको 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर दे देता है। ये अगारो का इंपीरियल कॉफी मेकिंग मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको नियर अबाउट 9,000 rupees का Amazon से पड़ेगा और आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये 5 कॉफी मेकिंग मशीन बहुत ही बढ़िया है। आप अपने किचन में जो स्पेस है उसके हिसाब से या फिर आपको जो लुक वाइज जो भी कॉफी मेकिंग मशीन बढ़िया लगे आप उसके हिसाब से अपने बजट के हिसाब से जो है कॉफी मेकिंग मशीन खरीद सकते हैं इन 5 में से कोई भी। और ये सभी आपको 8,000 से 10,000 rupees की रेंज में मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाले कॉफी मेकिंग मशीन भी मिल जाएंगे जो आपको 4,000 से 5,000 rupees की रेंज में मिल जाएंगे। वहां पर आपको 3, 4 या फिर 5 bar का प्रेशर जो है देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी कॉफी मेकिंग मशीन नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं किसी अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।